नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चेस चैनल क्लासिक चेस न्यूज में। आज एक बड़े ही मजेदार गैम्बिट लेकर आए हैं। एक ट्रैप है जहां पर अगर कोई ओपोनेंट आपके साथ पहली बार खेल रहा हो तो उसको आप बुरी तरह से बेवकूफ़ बना के एक बिगिनर की तरह से खेल के उसको मात दे सकते हैं। तो उस ट्रैप का नाम है हेलोसर ट्रैप। और चलिए शुरू करते हैं। इसको देखिए, d4 d5 इस सिचुएशन में हमें e4 चल देना है, उसको एक पोन गिफ्ट कर देना है। अगर वो पोन एक्सेप्ट कर लेता है तो उस पोन पर अटैक करना है अपने नाइट c3 चल के, तो वो नाइट f6 चल के उसको बचाएगा। तो उसको एक और पोन गिफ्ट कर देना है। बिल्कुल ही बिगनर की तरह खेलते रहिए। अब वो सोचेगा या कोई भी सोचता है कि नाइट से एक डेवलपिंग मूव होगा, लेकिन नाइट से ना लेके हमें क्वीन से ले लेना है इसको, f3 वाले पोन को। अब यहाँ पर ये अनडिफेंडेड है तो उसको वो पोन पर पोन खाया जा रहा है। सोच रहा है कि आप बिल्कुल ही बिगनर खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर हम उस क्वीन पर अटैक करेंगे तो और कैसलिंग के लिए तैयार करेंगे क्वीन साइड। वो सोचेगा कि अगर एक पोन अनडिफेंडेड है, अगर क्वीन को हटाना ही है तो क्यों ना हटाया जाए। लेकिन अगर और प्लान भी बनाएगा कि अगर आप कैसलिंग करते हैं तो भी सबको वहाँ रख के आपका जो क्वीन है और रुक है उसको उस पर अटैक किया जाए, कुछ तो मिलेगा। तो वो सोचेगा कि गेम तो हम जीत गए हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपको वही खेलना है, उसको जो वो चाहता है वही करिए। तो सोचेगा कि हाँ, यहाँ से वो विनिंग पोजीशन में आ गया है। एक तो एक्सचेंज अप हो जाएगा रुक मार के, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है सिचुएशन में। वो गैम्बिट में पूरी तरह से फंस चुका है, जो ट्रैप है हेलोसर ट्रैप में। अगर वो हमारा क्वीन खाता है जल्दीबाजी में तो उसका तो चेकमेट हो गया। यहाँ पर राजा को कोई जगह है नहीं। तो मान लीजिए थोड़ा समझदार है, इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाता है, थोड़ा सोच लेता है इस सिचुएशन में, क्वीन को नहीं मारता है और सोचता है कि नाइट से चेकमेट है, नाइट को मार दें। तो आप क्वीन को मार लीजिए, लेकिन पहले चेक पड़ा है तो नेचुरली वो चेक को सेव करेगा। तो अपने क्वीन को आप जहाँ मर्जी रख लीजिए और आपका क्वीन बच गया इस हिसाब से, तो ये गेम भी वाइट के लिए फिर विनिंग हो जाएगी। अच्छा, एक और सिचुएशन देख लेते हैं। अगर वो सोचता है कि मेन हमारा जो है राजा फंसा हुआ है, तो इस पोन को हटा के एक जगह बना लिया जाए किंग के लिए, फिर भी हम चेक देंगे। किंग ऊपर आएगा, एक ही जगह है आने के लिए, फिर हम वो b7 वाले पोन को खा जाएंगे क्वीन से। अगर वो क्वीन से क्वीन को खा लेता है तो यहाँ से एक चेकमेट हो गया। मतलब उसको चेकमेट के इतने सारे थ्रेट्स हैं, किसी न किसी में तो जाके फंसेगा ही। तो इसलिए हेलोसर ट्रैप या राइडर गैम्बिट भी कहते हैं इसको, इसको ब्लैकमार-डाइमर गैम्बिट भी कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर वो सोचता है कि यही पोन c7 वाला पोन पर ही ज़्यादा प्रेशर हो रहा है, चेकमेट हो रहा है, तो उसको बचाता है अगर नाइट a6 चल के, तो हमें पहले तो क्वीन से b7 वाले पोन को ले लेना है। और इस सिचुएशन में अगर वो रुक से अटैक करता है क्वीन पर, तो वही फिर से वही सिचुएशन आ जाएगा। वो अगर नाइट से क्वीन को मारेगा तो यहाँ से चेकमेट हो जाएगा, नाइट c7 से चेकमेट। अगर वो उस पोन पर ओवर प्रोटेक्शन लगाता है एक बार c8 पे चल के, तो हम उसके पहले नाइट को मार लेंगे। अगर वो हमारे रुक को मारता है d1 वाले, तो हम c8 वाले रुक को मार के फिर से चेकमेट कर देंगे। तो चेकमेट का कई सिचुएशन यहाँ तैयार हो रहा है। अगर सब कुछ करिए, वो सोचेगा कि पहले चलो रुक के बदले रुक मिल रहा है तो रुक मारेगा, हम उसके रुक को मारेंगे, किंग ऊपर आएगा। इस सिचुएशन में हम वापस भी आके खेल सकते हैं, नहीं तो उसका सिंपली अगर हम उसका बिशप भी खा लेते, एक पीस अप हो जाएंगे वैसे ही। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में अगर देखा जाए तो हम नाइट ना चल के अगर बिशप से उसको बिशप ही ले लें किंग से, तो भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम एक पिसअप है, उसका बिशप ब्लॉक है, उधर रुक ब्लॉक ही है, और हम धीरे धीरे अपना पीस को डेवलप आराम से करके इस गेम को जीत सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये ट्रैप अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए, और हम ऐसे ही और ट्रैप लाते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए।